हेलो गाइस, मैं हूं पंकज। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये वीडियो पार्ट नंबर रहने वाला है 15। इससे पहले हम ऑलरेडी 14 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें झारखंड का टूरिज्म हमने डिस्कस किया, झारखंड का आर्ट एंड कल्चर पूरा हमने कंप्लीट किया है, जो ट्राइबल म्यूज़िक होते हैं वो सब हमने करा चुके हैं। इसमें प्री हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कराएंगे। बाइलिंगुअल रहेगा, अगर आप स्टडी मटेरियल बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा ये। ओके, आगे बढ़ने से पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं और नॉर्मल कॉल भी करके हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा फ्री जो ग्रुप है, जिसमें हम बहुत सारी फ्री PDF शेयर करते रहते हैं, बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज शेयर करते रहते हैं। आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, फिर सर्च बॉक्स में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप करना है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज से हम कंप्लीट झारखंड GK की हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। जिन लोगों ने हमारे 14 पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 15th पार्ट हमारे झारखंड GK का। तो आज से हमारा पहला है प्री हिस्ट्री, जो चलने कैसे वाला है ये आपको बता दूं। जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे पहले ये कुछ होंगी सीक्वेंस में, और जनरली जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है कुछ होंगी फैक्ट वाइज, रैंडम फैक्ट आपको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट आता है कि अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद ये मेंशन है या नहीं, ठीक है, महाभारत में ये चीज़ झारखंड के लिए कौन सी जो वर्ड है उसको मेंशन किया गया है, किससे कंसिडर किया है झारखंड को, इस बेसिस पर ये पूरा आज का हमारा टॉपिक चलने वाला है, ठीक है। तो आज का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री। अब देखिए, झारखंड जो वर्ड है दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है, दो शब्दों से मिलके बना है। आप सबको पता है जैसे संधि विच्छेद होता है, दो वर्ड टूट जाते हैं, वैसे ही तो झाड़ और खंड, ठीक है। आप कुमाऊनी लैंग्वेज में जब बोलेंगे तो बोलेंगे झाड़, झाड़ का होता है वो, जैसे झाड़ियाँ होती हैं, वन होता है, इसको झाड़ बोला करते हैं, ठीक है। तो झारखंड भी इन्हीं दो शब्दों से मिलके बना है, जिसका नाम जो मिलके बनता है वो है फॉरेस्ट लैंड, जिसे आप वन भूमि या वन राज्य भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो ये बेसिक चीज़ है, आप इंट्रोडक्शन में इस तरह से झारखंड की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कुछ जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो कि प्रिलिम्स में पूछी जा सकती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो झारखंड रीजन है, ठीक है, जो झारखंड का क्षेत्र है, उसका जो रेफरेंस है, पहला रेफरेंस कहाँ मिला था, उसका पहला रेफरेंस ऐतरीय ब्राह्मणा में मिला था। ऐतरीय ब्राह्मणा है क्या, जिस तरह से आप सबको पता है ऋग्वेद होते हैं, पुराने एनिशियंट टेक्स्ट होते हैं, वैसे ही ऐतरीय ब्राह्मणा भी एक एनिशियंट टेक्स्ट है, मतलब पौराणिक काल में लिखा गया, एक जैसे अभी बुक लिखी जाती है ना, आप जैसे कोई भी व्यूवर्स हैं, कोई भी देख रहा है, तो उनने भी कुछ बुक्स लिखी होंगी या कोई बुक लिख भी रहा होगा, या मॉडर्न जैसे स्पेक्ट्रम होती है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत लिखी गई है, वैसे ही एनिशियंट टेक्स्ट मतलब पुराने काल में लिखी गई थी ऐतरीय ब्राह्मणा। अब कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि ऐतरीय ब्राह्मणा लिखने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, और जो नाम है वो है माही दशा ऐतरीय, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, माही दशा ऐतरीय आपको याद रखना है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को लिखा क्या गया है, देखिए झारखंड को जो लिखा गया है वो है पुंडा और पुंडारा। ऐतरीय ब्राह्मणा में झारखंड को जो मेंशन किया गया है, किस नाम से मेंशन किया गया है, पुंडा और पुंडारा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो महाभारत में दिग्विजयी पर्व है, देखिए महाभारत में बहुत सारे पर्व होते हैं, जैसे आदि पर्व, आदि पर्व में क्या है, महाभारत में जो राजा थे, राजकुमार थे, उनके जन्मों के बारे में बताया है कि किस तरह से उनका जन्म हुआ, किस तरह से पालन पोषण किया गया, फिर बहुत सारे पर्व हैं, वैसे ही महाभारत में एक पर्व है दिग्विजय पर्व। दिग्विजय पर्व में इस रीजन को, जो झारखंड वाला रीजन है, उसको क्या बोला गया है, पुंडारिली देश, क्या बोला गया है, पुंडारिली देश। ओके, ये आपको याद रखना है। इन दिस बुक इट इज कॉल्ड पशु भूमि और कर्कखंड और अर्कखंड, ठीक है, महाभारत का जो दिग्विजय पर्व है, इस रीजन को क्या बोला है, पुंडारिल देश, और एक किताब भी है उस टाइम की जहां पर इस रीजन को क्या बोला है, पशु भूमि, कर्कखंड और अर्कखंड, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे टॉलमी,
टॉलमी कौन है? एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, ग्रीक मैथमेटिशियन है, एक ज्योग्राफर है, एक एस्ट्रोनॉमर है, ठीक है। तो इन्होंने झारखंड के बारे में एक चीज़ डिस्कस की है, और इस वर्ड को जो शब्द झारखंड के लिए प्रयोग किया है इन्होंने मुंडल किया है, या मंडल आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा फैक्चुअल डिटेल है, आपको ये रिमेम्बर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में ऑलरेडी जब मैं आर्ट एंड कल्चर करा रहा था, जब जो झारखंड की ट्राइब के बारे में हमने डिस्कस किया था, हमने प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे थे कि किस तरह से जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो इस तरह से रैंडम फैक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं आप सबको पता होना चाहिए। अब जब से जब ये झारखंड की हिस्ट्री हम कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो झारखंड का प्रीवियस ईयर पेपर में हिस्ट्री सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको सबसे पहले हिस्ट्री ख़त्म करनी है, फिर टॉपिक जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो टॉलमी जो है एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, उन्होंने झारखंड रीजन को मुंडल बोला गया है, ठीक है, मुंडल बोला है। आगे चाइनीज बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे, ट्रेवलर जिसे आप कह सकते हैं, फायहान, उन्होंने छोटा नागपुर रीजन को एज ए कुकुट लैंड बोला गया है। क्या बोला गया? कुकुट लैंड, KUKKAT। अब एक और चीज़, अगर किसी को ये इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है या हिंदी में, तो वो उसकी हिंदी मत देखना, मेन अगर कंसिडर करना है, प्रोनाउंस करना है, तो आप इंग्लिश को ही एज ए रेफरेंस मान के चलना, ठीक है। उसके बाद ह्यूनशांग एड्रेस्ड द राजमहल रीजन एज केलो सूफा लना एंड करण सुवारन, ठीक है। तो राजमहल रीजन जो झारखंड में है, ठीक है, उसको ह्यूनशांग ने क्या बोला है? केलो सूफा लना एंड करण सुवार, ठीक है। आगे जो राजमहल हिल है, डायरेक्ट एक मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जो राजमहल हिल है उसको क्या बोला गया है? उसको बोला गया है दामिन ए कौन, ठीक है, ये याद रखना है आपको, दामिन ई कौन, ठीक है, राजमहल हिल को डायरेक्ट, ये डायरेक्ट आपसे एक मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है समुद्रगुप्त का, उसमें झारखंड को एज ए मुरुंड कंट्री बोला गया है, ठीक है। झारखंड को क्या बोला गया है? स्कंद, समुद्रगुप्त के जो इंस्क्रिप्शन है उस पर झारखंड को मुरुंड कंट्री बोला गया है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या होते हैं, जैसे कोई विक्ट्री है किसी सरफेस में लिख दिया, वो इंस्क्रिप्शन होते हैं, ठीक है। ओके, आगे जो हम प्री हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ये रैंडम कुछ फैक्ट होंगे, इसमें हम पौराणिक काल के बारे में भी बात करेंगे, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी वीडियो आने वाली है वो सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड होगी। अभी जो ये वीडियो पार्ट पूरा कंप्लीट रहेगा उसमें हम रैंडम फैक्ट, जैसे ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुका हूँ, ठीक है, इसमें हम रैंडम फैक्ट करने वाले हैं, जिसमें प्री हिस्ट्री यानी कि अब स्टोन एज भी इंक्लूड होगा, जो वैदिक एज भी इंक्लूड होगा, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी इसमें हम पढ़ाने वाले हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब रैंडम फिगर हैं या जो कि आप याद करेंगे प्रीलिम्स के लिए। ड्यूरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी पीरियड 1765 से लेके 1834 तक, 1834 तक, दिस रीजन वॉज नोन बाय द नेम नागपुर और छोटा नागपुर। अब इसको पहले झारखंड नहीं बोला जाता था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई रूल करने इंडिया में, तो इस रीजन को नागपुर या छोटा नागपुर बोला जाने लगा था और बोला जाता था। अब जब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी खुली ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी वो होती है जहाँ से पूरा वो चलाते हैं अपना काम, किस तरह से फाइनेंस कनेक्ट करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो ये साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी जब 1883 में ओपन हुई, इस्टेब्लिश हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उसका जो हेडक्वार्टर था उसका नाम उन्होंने क्या लिखा? विल्किंसगंज और किशनपुर, ठीक है। तो जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर, अब डायरेक्ट ऐसा भी पूछा जा सकता है, जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी है ईस्ट इंडिया की थी, उसका जो हेडक्वार्टर था उसको किस नाम से बुलाया जाता था? उसका नाम था विल्किंसगंज और किशनपुर, ठीक है। उसके बाद उसको चेंज करके क्या बोला गया? रांची, जो कि अभी प्रेजेंट कैपिटल है झारखंड की। कैपिटल क्या है? रांची। अब देखिए बाद में सबसे पहले आप बोलेंगे जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी है 1883 में इस्टेब्लिश हुई थी उसको विल्किंसगंज बोला गया था और किशनपुर बोला गया था, उसके बाद उसको रांची बोला गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब आगे एक और फैक्ट हमारे पास आता है जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द रीजन ऑफ संथल परगना
In the ancient period was known by the name नारी खंड एंड लेटर बाई नेम कंकजोल. ठीक है, कंकजोल. तो जो संथल परगना है एंशियंट पीरियड के दौरान, प्राचीन काल के दौरान, इस रीजन को क्या बोला जाता था? नारी खंड. उसके बाद इसको क्या बोला गया? कंकजोल. ठीक है, कंकजोल. भगवत पुराण की अगर मैं बात करूँ, झारखंड नोन बाय द नेम किकट प्रदेश, किकट प्रदेश बोला जाता था अकॉर्डिंग टू भागवत पुराण. अब देखो, क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं किस तरह से क्वेश्चन आपको ये याद करने हैं या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं छोटा सा आपको बता देता हूं. अब देखिए, अभी तक हमने क्या करा, टॉलमी के बारे में पढ़ा, ग्रीक मैथमेटिशियन, उन्होंने क्या बोला है इस रीजन को. अभी हमने भागवत पुराण का बारे में बात करें, ब्राह्मण ऐतरेय के बारे में बात करी. अब इनके बेसिस पे क्या आ सकता है, एक क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि पहला, इन चारों को आपको लाइन वाइज दे देंगे और बगल में जो है इनके बारे में, इन्होंने इस रीजन को क्या बोला गया है, आपको बोलेंगे मैच द फॉलोइंग, करेक्ट मैच द फॉलोइंग आपसे ये पूछा जा सकता है. इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, आपको क्या याद रखना है, फिर भागवत पुराण में झारखंड को किकट प्रदेश बोला जाता था. ओके, इन अर्ली मेडिवल संस्कृत लिटरेचर छोटा नागपुर हैज़ बीन कॉल्ड कालिंद देश. ठीक है, या कलिंद देश बोला गया है मेडिवल संस्कृत लिटरेचर में छोटा नागपुर को. ठीक है, अब छोटा नागपुर किसके टाइम के दौरान बोलते थे छोटा नागपुर, आप सबको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस रीजन को क्या बोलती थी, छोटा नागपुर. ठीक है, अब वहीं मेडिवल संस्कृत लिटरेचर में इस रीजन को कलिंद देश बोला जाता था, कलिंद देश. ओके, अब देखिए एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये द अर्लिएस्ट रेफरेंस ऑफ वर्ड झारखंड कम्स फ्रॉम 13th सेंचुरी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन. अब देखिए, अगर अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करूँ तो 13वीं शताब्दी के दौरान कॉपर प्लेट में इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं. जैसे मैंने बोला, हार्ड सर्फेसेज में जो भी चीज़ लिखी जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ मेंशन होता है, या तो राजा की विक्ट्री होगी या दूसरी चीज़ें होंगी. तो वैसे ही झारखंड का जो रेफरेंस है 13th सेंचुरी में कॉपर प्लेट में देखने को मिलता है. ठीक है, उसके बाद मुगल पीरियड की मैं बात करूं, झारखंड रीजन वॉज नोन बाय द नेम कुखुर और कुकरा. ठीक है, कुकरा और खुकरा. ठीक है, तो मुगल पीरियड के दौरान झारखंड को, जो उस रीजन को बोला जाता था जो अभी का झारखंड है, उस रीजन को क्या बोला जाता था? खुकरा और कुकरा. एक बार मैं मैप आपको बता दूं कि मैप क्या है. देखिए, ये जो झारखंड मैप है उसमें क्या है, ये चीज़ें हैं. नीचे क्या है? उड़ीसा. और यहाँ पर क्या है ईस्ट में, आप सबको पता है, वेस्ट बंगाल. ये ऑलरेडी वैसे मैं डिस्कस करा चुका हूँ. ठीक है, यहाँ पर है यूपी, यहाँ पर रहेगा आपका छत्तीसगढ़. ठीक है, क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ यहाँ पर रहने वाला है. अब ऊपर है बिहार, अब यहाँ पर साहिबगंज. तो इस बेसिस पर जो ये एरिया अभी का एरिया है, और कुछ एरिया यहाँ पर यूपी से इंक्लूड था, छत्तीसगढ़ और बिहार से इंक्लूड था, इस एरिया को मुगल पीरियड में जो झारखंड रीजन था, इस एरिया को खुकरा और कुकरा रीजन बोला जाता था. ठीक है, ये आपको याद रखना है. उसके बाद एनी अकबरी द रीजन हैज़ बीन कॉल्ड द कोकरा और खांकरा. एनी अकबरी में इस रीजन को क्या बोला जाए? कोकरा और खांकरा. ये देखिए, प्रिलिम्स के फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, मेंस के लिए किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं. अभी जो मेन फोकस करते हैं प्रीलिम्स में, फैक्ट के बेसिस पे, तो एनी अकबरी में कोकरा और खानकरा इसको बोला जाता है. ठीक है, उसके बाद तुझके जहांगीरी. तुझके जहांगीरी क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की. ऑटोबायोग्राफी जिसमें अपने बारे में लिखा जाता है वो है तुझके जहांगीरी, जहांगीर की. ठीक है, इन्होंने इस रीजन को क्या मेंशन किया है? खोकरा. क्या है? खोकरा. खोकरा. ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, छोटा नागपुर रीजन को मेंशन किया एज ए झारखंड. छोटा नागपुर रीजन मेंशन है झारखंड. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्ट प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी अभी बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं. देखिए, हर वीडियो पार्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो नोट्स बनाते हैं उसका जो है बुक में बनाइए, नोटबुक में बनाइए, और हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन इससे क्या पूछा जा सकता है कि इनमें से किस में एज ए
उस रीजन को, अभी झारखंड का जो रीजन है उसको एज ए झारखंड ही मेंशन किया गया था, है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अबुल फजल की छोटा नागपुर रीजन इज मेंशन्ड है झारखंड। तो जो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था अकबर के उसमें, तो अकबर के लिए, तो उसमें छोटा नागपुर रीजन को एज ए झारखंड ही बोला, ठीक है। नेक्स्ट है, द रेफरेंस ऑफ वर्ड झारखंड इज फाउंड इन द राइटिंग ऑफ सोम्स इसरीज अजीज सलाइमुल्लाह और गुलाम हुसैन हसैन, ठीक है, गुलाम हुसैन। अब देखिए ये है क्या, अब जो ये चीज़ें हैं कि बहुत सारे उसमें राइटर हुआ करते थे, बहुत सारी जो बुक्स लिखा करते थे, तो एक दो मार्क्स में आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि सोम्स ई अजीज सलाइमुल्लाह गुलाम हुसैन ने जो झारखंड वर्ड है इस रेफरेंस में बहुत सारी चीज़ें अपनी बुक्स में भी लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखना है, जो मोहम्मद जायसी हैं पद्मावत। अब देखिए पद्मावत में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, जो अभी जिसमें कास्ट जो थी वो रणवीर सिंह, ठीक है, शाहिद कपूर, ठीक है, दीपिका पादुकोण, जो पद्मावत मूवी आई थी, ठीक है, पद्मावत मूवी आई थी उसी से रेफरेंस हैं। तो इसमें भी जो झारखंड वर्ल्ड का वर्णन किया गया है, रेफरेंस यहाँ पर भी दिया गया है, जो मोहम्मद जायसी पद्मावत है उसकी, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट फैक्ट करेंगे, उसके बाद हम झारखंड के आर्कियोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से झारखंड की आर्कियोलॉजी है। छोटा नागपुर एंड राजमहल हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड बाय मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स सच एज युआन चुआंग, अब्दुल लतीफ बबहानी और बिशप हीबर, ठीक है। आप सबको याद रखना है छोटा नागपुर जो रीजन है, राजमहल रीजन है, झारखंड रीजन है, ठीक है, कोकरा है, खुकरा है, ये सब बहुत सारे ऐसे वर्ड हमने झारखंड निकले अभी देखे। तो इन सब जो रीजन है जो झारखंड के बारे में है, बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं और उन सब ने भी, जैसे युआन चुआंग चाइना के हैं, ये डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, अब्दुल लतीफ़ कहाँ के हैं, ईरान के हैं, ठीक है, बबानी ईरान के हैं, इन सब ने भी झारखंड के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं झारखंड की आर्कियोलॉजी, ठीक है, झारखंड की आर्कियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, पुरातत्व के बारे में बात करते हैं। अब पुरातत्व आपको पता है क्या होता है, पुरातत्व में क्या होता है कि जो भी एक्सक्वेशन किया जाता है, जैसे इंडस वैली साइट कैसे पता चलती है, अभी देखिए गुजरात में एक साइट है ढोलीवीरा, 1990 तक, 90s में उसका एक्सक्वेशन खुदाई शुरू हुई और उसमें यह पाया गया ढोलीवीरा में, अभी देखिए हाल में ही उसका एक्सक्वेशन हुआ है, तो उससे पता चलता है कि वहाँ के लोगों को कितना ज़्यादा जो ज्योमेट्री, जिसे आप हिंदी वाले कह सकते हैं, जैसे शेप होता ना, जैसे रेक्टेंगल होता है, ये स्क्वायर है, सर्कल है, ठीक है, ये कोन है, तो इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हुआ करती थी। तो उसी तरह आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग वही चीज़ करता है, खुदाई करता है उस चीज़ की, जो भी चीज़ें मिलती हैं उससे एक तरह से क्या बनाता है, एक एजम्पशन क्रिएट करता है कि हाँ ये चीज़ें हुई होंगी, वो भी फैक्ट के साथ। ऐसा एजम्पशन मतलब अपने मन से ही नहीं, वो एजम्पशन फैक्ट बेस्ड होता है, पूरा आप रिलाई कर सकते हैं उसमें, ओके। तो वही आर्कियोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि झारखंड का जो क्षेत्र था उसमें पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने खुदाई की, तो उनको क्या क्या मिला, पाषाण काल जब स्टोनेज हुआ करता था तब ये रीजन एग्जिस्ट करता था या नहीं। देखिए एग्जिस्ट करने का बात ये होता है कि वहाँ पर कोई ह्यूमन हैबिटेशन हुआ करता था या नहीं, पुरानी जो सिविलाइजेशन है सभ्यता हुआ करती थी या नहीं, जो पुराने लोग थे स्टोन एज के दौरान पुराने लोग थे वो यहाँ पर रहते थे या नहीं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे पुरातत्व के झारखंड का। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, आर्कियोलॉजिकल एक्सक्वेशन ऑफ झारखंड हैज यील्डेड ए लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट बिलोंगिंग टू अर्ली मिडिल एंड लेटर पैलियोलिथिक पीरियड। जो मध्य पाषाण काल है और उसके बाद का जो पैलोलिथिक पीरियड है, यहाँ पर ये प्रूफ करता है कि झारखंड के जो रीजन है वहाँ पर लोग एग्जिस्ट करते थे, लोग रहते थे, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एक्सक्वेशन ये प्रूव करता है, जो मध्य पाषाण काल के लोग थे यहाँ पर रहा करते थे, ठीक है। द अर्लियर रिमेन्स फाउंड फ्रॉम झारखंड बिलोंग टू अर्ली पैलोलिथिक पीरियड, अमंग दीज रिमेन्स इंपॉर्टेंट। अब क्या क्या चीज़ें मिली जिससे ये प्रूव हुआ कि हाँ यहाँ पर जो पाषाण काल के लोग थे यहाँ पर रहते थे, उनका निवास था, क्या क्या मिला, स्टोन एक्स, ब्लेड, स्क्रैपर और बरीन।
अब इन चीज़ों से वो क्या करा करते थे, हंटिंग किया करते थे। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि अगर आप ये झारखंड की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपने एंशियंट हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। एंशियंट हिस्ट्री आप RS शर्मा से भी पढ़ सकते हैं, जो NCERT है उससे पढ़ सकते हैं। आई होप, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पूरा जो एंशियंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है और जो मेडिवल हिस्ट्री है वो पूरी करवाई गई है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब चीज़ें क्या क्या मिली, देखिए, जो एक्सक्वेशन किया गया, जो खुदाई की गई, उसमें कहाँ कहाँ की जगह से अवशेष मिले हैं, जो पुराने अवशेष हैं, सिंहभूम से, रांची से, हजारीबाग से, संथल परगना से और पलामू से। अब देखिए, एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़, अब यहाँ से ये चीज़ें मिली, ये आप मेंस में लिख सकते हैं, बट प्रीलिम्स के लिए कुछ स्पेशल आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी कि हाँ, जो मध्य पाषाण काल था, जो मिड पैलियोलिथिक एज थी, तो वो जो साइट है वो किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन कौन सी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं झारखंड की। ठीक है, आप तीन चीज़ें याद रखिए, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू, गढ़वा और सिंहभूम। अब हजारीबाग में एक साइट है इसको, अभी इसको के बारे में तो बहुत ज़्यादा डिटेल करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये साइट। अगर आप कर रहे हैं तो इसमें स्टार लगा दीजिए इसको में, क्योंकि इसको से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये इसको। ठीक है, सतपहर, सरिया, रहम, लोगा, कुसुमगढ़, बतका गांव और बांसगढ़। ठीक है, ये आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं जहाँ पर खुदाई की गई और जहाँ पर कुछ मिला। उसके बाद है शानपुर, अमानत पुल, दुर्गावती पुल, बगना, रंका, सिंहभूम में कौन 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 सी, ये छोटे छोटे गांव हैं और छोटे छोटे हिस्से हैं। ठीक है, उस जगह के सिंहभूम में जैसे लोटा पहाड़ है, टैबो है, ईसादी है, बरूद है, बुरान पानी, दुंगा दुग्गी, सौरांगा। अब इस चीज़ को भी याद रखना, आपको टैबू, लोटा पहाड़ दे देंगे, ये किस जगह से एसोसिएटेड है, सिंहभूम से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें तो इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स झारखंड की यही हैं जनरली। ओके, और ये सिंहभूम में निमदी है और यहाँ पर माइलापुर और यहाँ पर राजरपा। अब देखिए, मध्य पैलियोलिथिक के अवशेष सिंहभूम में, रांची में, संथल परगना में से पाए गए हैं। इन्हीं जगहों पर बाद के पुराणिक, जिसे लेटर पैलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, ये मिले हैं। ठीक है, ये पत्थर के छोटे छोटे स्थान बनाए गए हैं। प्रीलिम्स में आपको क्या याद रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो लेटर पैलियोलिथिक पीरियड और मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में कौन कौन सी जो जगह हैं वो एसोसिएटेड हैं, सिंहभूम की, रांची की, संथल परगना की, ये तीन लेटर मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड से भी पाए गए हैं, एसोसिएटेड हैं, और लेटर पैलियोलिथिक पीरियड से भी एसोसिएट हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, लेटर पैलियोलिथिक के बारे में तो बात करता हूँ, उससे पहले आपको मैं मीजोलिथिक पीरियड के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, मीजोलिथिक, देखिए माइक्रोलिथ होता है, मीजोलिथ होता है, तो मीजोलिथ जो पीरियड है, ठीक है, उसमें कौन कौन से रिमेन्स जो हैं वो पाए गए, रांची, सिंहभूम और पलामू के। ठीक है, द रिमेन्स ऑफ मीजोलिथिक पीरियड। अब डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है कि मीजोलिथिक पीरियड से कौन कौन से एसोसिएटेड हैं, कौन कौन सी जगह जो हैं एसोसिएटेड हैं मीजोलिथिक पीरियड से, रांची है, सिंहभूम है और पलामू है, ये मीजोलिथिक पीरियड से जो हैं एसोसिएटेड। ठीक है, कौन से मीजोलिथिक पीरियड से। ओके, उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं इन प्लेस लाइक बटका गांव, मंडी, राजरप्पा एक्स्ट्रा इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हजारीबाग। अब ये जिला हजारीबाग जिला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो जगह हैं, बटका गांव है, मंडी है, राजरप्पा है, रामगढ़ है और आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन है जिल्डेड स्टोन टूल। अब यहाँ पर क्या मिला, स्टोन टूल मिले, स्टोन टूल मतलब जो पत्थर के टूल्स बनाए करते थे उसमें हंटिंग के लिए, ये हजारीबाग जिले से मिले हैं, जिसमें से एक्सेज हैं, स्क्रैपर हैं, ब्लेड हैं, बैरिन, ये सब देखने को मिली हैं। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ में शायद कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि देखिए, जो हिंदी में है मीजोलिथिक पीरियड है, पैलियोलिथिक पीरियड है, एक और चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, शायद मैंने पैलियोलिथिक में, देखिए हिंदी में वाला एक बार मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ आपका,
जो पैलियोलिथिक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनमें पैलियोलिथिक ही लिखा है, क्योंकि जो ये हिंदी वाला है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो देखिए पैलियोलिथिक पीरियड को क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड जब भी आएगा तो उसको बोलते हैं पुरापाषाण काल। क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। ठीक है, आई थिंक मैंने हिंदी में जो ऊपर इससे पहले मिडिल पैलियोलिथिक को मध्य पाषाण काल बोल दिया था, वो नहीं होता। ठीक है, वो देखिए कभी भी पैलियोलिथिक आ गया, पैलियोलिथिक आ गया तो उसका मतलब है पूरा पाषाण काल। ठीक है, और मिडिल पैलियोलिथिक आ गया तो उसका मतलब है मध्य पूरा पाषाण काल। ओके, पहला कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। दूसरा, जब भी मेजोलिथिक पीरियड आता है इसका होता है मध्य पाषाण काल होता है मीजोलिथिक पीरियड में। इसमें छोटे छोटे माइक्रोलिथ यानी कि छोटे छोटे जो हथियार होते थे वो बनते थे स्टोन के। ठीक है, पहले तो क्या होता था, बड़े बड़े स्टोन हो गया उसमें उतना ज़्यादा पॉलिशिंग नहीं हो पाती थी। मीजोलिथिक पीरियड में आप, आई होप आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, इसमें ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम झारखंड की जीके डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब देखो उसके बाद एक नियोलिथिक पीरियड होता है जहाँ पर आप सबको पता है कृषि आ गई थी, पहिया आ चुका था। ठीक है, तो नियोलिथिक पीरियड में क्या होता है उसे नवपाषाण कहते हैं, नवपाषाण। आई होप आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा, कभी भी ये चीज़ें आ गई तो आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पहला है पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक और नवपाषाण नियोलिथिक। ठीक है, आई होप इतना सादा क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ताकि कभी भी ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसमें कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करें और आपका आंसर सही हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन द प्लेस नेम्ड इसको, जैसा मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ हजारीबाग जिला है, उसमें एक जगह है इसको, इसको नाम की एक जगह है जो कि आर्कोलॉजिकल साइट भी है। पेंटिंग मेड बाय द प्रिमिटिव मैन ए लार्ज ओपन सन टेम्पल केव एक्स्ट्रा फाउंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिमिटिव मैन द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई देखने को मिली है। प्रिमिटिव मैन जो पुराने लोग होते थे, स्टोन एज वाले जो पत्थरों से हंटिंग किया करते थे, गुफा में रहा करते थे, उनके द्वारा बनाई गई गुफाओं में पेंटिंग देखने को मिली, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसको डायरेक्ट एक मार्क्स का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इनमें से ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर जो प्रिमिटिव मैन द्वारा, ठीक है, जो पुराने आदमी थे, जो स्टोन एज के लोग थे, उन्होंने क्या किया, पेंटिंग बनाई देखने को मिली है। ठीक है, पेंटिंग देखने को मिली है, उसके बाद एक लार्ज ओपन सन टेम्पल देखने को मिला और बहुत सारी गुफाएं देखने को मिली। ठीक है, आगे इन द पेंटिंग गैलरी ऑफ इसको देयर आर मैनी पेंटिंग ऑफ स्पेसशिप स्पेसमैन। देखिए कितनी बड़ी बात है, इसको का जो आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या मिला है। देखिए अब वो पेंटिंग ऐसी वैसी नहीं है कि सीधे एक आदमी बनाया जा रहा है, वो पेंटिंग नहीं है। ये पेंटिंग किससे रिलेटेड है, स्पेसशिप से, स्पेसमैन से, कॉन्स्टिलेशन से। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, जो पैटर्न होता है तारों, किस तरह से जो स्टार्स हैं वो अरेंज हुए हैं, उस पैटर्न को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, आप सबको पता है। अब देखिए अब इसमें क्या है, जो ये पेंटिंग हुआ करती थी इसको की जो ये जगह है, इस पेंटिंग में यहाँ पर स्पेसशिप देखने को मिला, स्पेसमैन देखने को मिला यहाँ पर, यानी कि आप कह सकते हैं दूसरे ग्रह जो एलियन जिसे बोला करते हैं उनसे भी, उनकी भी जानकारी हुआ करती थी उस समय में इस जगह पर। तो सोच के देखिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे इसरो है, नासा है, ये कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं एलियंस से, बट उस समय ये चीज़ें देखने को मिली है पेंटिंग के द्वारा बताया गया है। द रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैज़ बिन फाउंड इन सीतागढ़ माउंटेन ऑफ हजारीबाग। ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री देखने को मिली कहाँ, सीतागढ़ माउंटेन में, हजारीबाग में ही। ठीक है, और ये 6th century AD से बिलोंग करती है, 6th century AD से। ओके, उसके बाद आगे यहाँ पर लिखा गया है कि जो चाइनीज ट्रेवलर हैं, चीनी यात्री हैं, फाई हान हैज़ ऑल्सो रिफर्ड टू दिस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, उन्होंने भी इस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के बारे में बताया गया है। और मोस्ट ऑफ द सैंपल ऑफ आर्कोलॉजिकल इंपोर्टेंस फाउंड फ्रॉम सीतागढ़ आर मेड ऑफ सैंड स्टोन। ठीक है, अमंग दिज स्टूपा विथ 4 इमेजेस, इमेजेस ऑफ यक्षिणी, देखिए यक्षिणी जो है माता है उनकी, कार्व्ड ऑन ए स्टोन फैकेट एंड इमेज ऑफ विमेन मेड ऑफ ग्रे सैंड स्टोन आर ऑफ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर में वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में, बट ये चीज़ जाननी जरूरी है, यक्षिणी जो कि माता है उनकी स्तूपा देखने को मिले, और फायहान ने भी ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के बारे में डिस्कस किया
6th सेंचुरी AD में, ठीक है, 6th सेंचुरी AD में, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, अब एक और चीज़ है, द अस्तडल, अस्तडल, अस्तडल क्या होता है, देखिए जहाँ पर 8 भुजाएं होती हैं, ऐसे कुछ ऐसे बनाया करते हैं, ये 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 ये, ठीक है, इस टाइप से ये 8 चीज़ें होती हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी बनाते हैं, 1 2 मतलब 8 जिसकी भुजाएं होंगी वो अस्टडल हो जाएगा, ठीक है। तो जो अस्टडल है यूज एज द एम्बलम ऑफ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, जो विनोबा भावे की यूनिवर्सिटी है उसका जो साइन है वो अस्टडल को ही यूज़ किया गया है। हजारीबाग इज़ ए रेप्लिका ऑफ अस्टडल मेड ऑफ रेड सैंड स्टोन फाउंड फ्रॉम सीतागढ़, ठीक है, और इस जगह पर रेड सैंड स्टोन से अस्टडल जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है प्रिलिम्स के लिए। उसके बाद आगे ये बोला गया है कि जो एक्सकवेशन ऑफ वेरियस प्लेसेस इन पलामू डिवीज़न हैज़ यील्डेड स्टोन टूल्स, बहुत ज़्यादा जो पत्थर के जो टूल्स हैं वो देखने को मिले, जो कि अर्ली मिडिल और लेटर पैलियोलिथिक एज वेल एज नियोलिथिक पीरियड के हैं, पूरा पाषाण काल के जो अर्ली हैं, मध्य के हैं और बाद के पूरा पाषाण काल के और नव पाषाण काल के जो ये हैं स्टोन टूल मिले। अब आप सबको ऑलरेडी पता है कि कैसे पता लगाएंगे कि ये हाँ पूरा पाषाण काल का है या नवपाषाण का, जैसा मैंने बोला आई होप आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, पूरा पाषाण और नवपाषाण और मध्य पाषाण में उन पत्थरों में एक ही चीज़ कैसे है, देखिए पहले के पत्थर थोड़े से बड़े होते थे, उतना साफ नहीं होते थे और मतलब ब्लंट हुआ करते थे, ब्लंट मतलब उतना ज़्यादा नुकीले नहीं हुआ करते थे क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा स्किल नहीं थी, बस धीरे धीरे फिर मध्य पाषाण में माइक्रोलिथ वही जो बड़े बड़े थे वो छोटे माइक्रोलिथ बनने लगे, उसके बाद और ज़्यादा नव पाषाण में और ज़्यादा उसमें पॉलिशिंग होने लगी और ज़्यादा शार्प वो होने लगे, इस तरह से ये पहचाना जाता है कि हाँ ये जो पत्थर है ये इस काल के दौरान बनाया होगा, इसमें एक्सेस स्क्रैपर ब्लेड और ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद भावनाथपुर जो कि गढ़वा जिले में है, नियर भावनाथपुर गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, रेयर स्टोन पेंटिंग एंड नेचुरल केव बिलोंगिंग टू द प्री हिस्टोरिकल पीरियड हैज़ बीन फाउंड, तो ये भी आपको एक प्रिलिम्स फैक्ट याद रखना है, जो गढ़वा जिला है वहाँ पर भी स्टोन पेंटिंग देखने को मिली, ठीक है, स्टोन पेंटिंग दुर्लभ पत्थर की पेंटिंग देखने को मिली, ये सब चीज़ें जो कि मैंने देखी है, जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ ताकि आप कभी उसको भूले ना, एक तो इसको यहाँ पर स्पेसशिप स्पेसमैन ये पेंटिंग देखने को मिली, ठीक है, वॉल में पेंटिंग मिली हजारीबाग जिले में, और दूसरा जो ज़िला है वो आपको याद रखना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गढ़वा जिला, गढ़वा जिला में भी स्टोन पेंटिंग देखने को मिली, डायरेक्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा कि इनमें से कौन से 2 जिलों में जो स्टोन पेंटिंग और पेंटिंग देखने को मिली, स्पेसशिप वाली या कॉन्स्टलेशन वाली जो पेंटिंग थी वो हजारीबाग जिले से मिली, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद आगे डिस्कस कर लेते हैं, इन दिस केव्स देयर आर पेंटिंग ऑफ हंटिंग सीन, इन केव में जो शिकार करने के दृश्य हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे डियर हैं, बफेलो हैं, इन चीज़ों को भी यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। आगे, इन प्लेस कॉल्ड बरुद्दीन इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट पीसेज ऑफ पॉटरी, देखिए जिस जिस जिले के बारे में मैं डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ वो जिला 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सिंहभूम जिले में बरुद्दीन एक जगह है जहाँ पर पॉटरी देखने को मिलती है, पॉटरी, पॉटरी आप सबको पता ना, पॉट मिट्टी के घड़े, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, ये देखने को मिले, स्टोन हैमर मिला जो पत्थर के हथौड़े होते हैं, बिलोंगिंग टू स्टोन एज हैव बीन फाउंड पीसेज ऑफ हैंडमेड पॉटरी रिंग स्टोन, जो हाथों से बनाई गई जो मिट्टी के बर्तन हैं वो देखने को मिले, स्टोन बीड्स देखने को मिले, हैव बीन फाउंड एट ए प्लेस कॉल्ड बोगरा इन सिंहभूम जिले, ठीक है, बोगरा और बरुद्दीन सिंहभूम जिले के इन दो जगहों पर मिट्टी से बने हुए बर्तन देखने को मिले। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, हजारीबाग का इसको और सिंहभूम जिले का ये और गढ़वा का पेंटिंग, ठीक है, तो 3 जिले आपको याद रखने हैं। उसके बाद आगे, एट बानाघाट नियर बोंगरा 5 स्टोन एक्सेस रिंग स्टोन पैलेट ऑफ टेराकोटा एंड पीसेज ऑफ ब्लैक पॉटरी हैज बीन फाउंड, ठीक है। अब ब्लैक पॉटरी कहाँ मिलती है, बानाघाटा में, बानाघाटा, जो ये स्पेसिफिक चीज़ मैं बता रहा हूँ वो 1 मार्क्स के प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेराकोटा, टेराकोटा जो फिगर होते हैं बहुत सारे मिट्टी से भी बनाए जाते हैं, टॉयज बनाए जाते हैं टेराकोटा से, ठीक है, वो चीज़ आपने पढ़ी भी होंगी, ओके, ये सब देखने को मिले।
जो काली मिट्टी के बर्तन हैं, ब्लैक पॉटरी है, वो कहाँ से मिले? बाणघाट से। ठीक है, इन इंडियन आर्कोलॉजी द वर्ड असुर, एक चीज़ अब वर्ड का रेफरेंस आता है द टर्म। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये शब्द, ये वर्ड है, इस ये शब्द इन चार ऑप्शन में से किससे साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ एसोसिएटेड, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन आर्कोलॉजी में जो असुर शब्द हैज़ बिन यूज फॉर हिस्टोरिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनी प्लेसेज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ रांची, गुमला और लोहारदगा। ठीक है, तो इंडियन आर्कोलॉजी में एक शब्द है असुर, हैज़ बिन यूज फॉर हिस्टोरिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनी प्लेसेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट रांची, गुमला और लोहारदगा। तो जो ये वर्ड है वो किन तीन चीज़ों से एसोसिएटेड है, किन तीन जिलों से एसोसिएटेड है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, इन तीन चीज़ों की ऐतिहासिक पहचान को भी बताता है असुर वर्ड, असुर जो शब्द है। वैसे आप सबको पता है असुर क्या होता है, जैसे राक्षस होते हैं ना, उस बेसिस पे। बट रांची, गुमला और लोहारदगा की अगर ऐतिहासिक जो पहचान है उसको दर्शाने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? असुर। ठीक है, रांची, गुमला और लोहारदगा। ठीक है, ये चीज़ें 1 मार्क्स में पूछी जाएंगी। ए कप मेड ऑफ ब्रॉन्ज हैज़ बिन फाउंड फ्रॉम लोहारदगा, कांसे से एक कप बनाया गया है, कांसे से, और वो कहाँ पर मिला? लोहारदगा में, खुदाई के दौरान। ठीक है, एक्सक्वेशन के दौरान, क्योंकि अभी हम प्री हिस्ट्री और आर्कोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। एट पांडू ए ब्रिक वॉल, मड पॉट, कॉपर टूल, कॉपर तांबे का होता है, ठीक है, ये मिली। फोर लेग्ड स्टोन प्लेटफॉर्म फाउंड एट पांडू, देखिए फोर लेग्ड स्टोन, देखिए एक तरह से चेयर टाइप की, जैसे ये चेयर होती है ना, इसमें बता देता हूँ मैं आपको, ये सपोज ये चेयर है, ये चेयर है। फोर लेग्ड स्टोन टूल जो है पांडू जगह मिला, करेंटली कैप्ट इन द पटना म्यूजियम में उसको रखा गया है। तो एक चीज़ ये याद रखनी है, जो जो मैं डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ, जो भी उनकी स्पेसिफिक चीज़ें बता रहा हूँ, वो डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं प्रिलिम्स में। तो फोर लेग्ड एक तरह से चेयर टाइप का जो भी टूल है वो कहाँ मिला? पांडू में। ठीक है, ए कॉपर चेन एंड ए ब्रॉन्ज रिंग हैज़ बिन फाउंड फ्रॉम मुराद, तांबे की चेन और कांसे की अंगूठी कहाँ से मिली? मुराद से। लूपनगढ़ी हैज़ एविडेंसेज ऑफ अर्ली सीमेंट्री, प्लेसेज लाइक जुड़दाग है, प्रसादिक है, जोगड़ा है, चीपड़ी हैव बिन यील्डेड इम्प्लीमेंट बिलोंगिंग टू लोअर एंड अपर पैलिथिक पीरियड। ठीक है, अब ये याद रखना है, जो जुड़दाग है, जोगड़ा है, चीपड़ी है, ये कौन से? पुरापाषाण से एसोसिएटेड है, पुरापाषाण से। ठीक है, पाषाण, ये ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करना है। अब इनमें से कोई प्लेसेस दे देंगे, जोगड़ा, चीपड़ी और जुड़दाग, ये आपको याद रखना है, ये पुरापाषाण से यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एसोसिएटेड है। उसके बाद जो दूसरे प्लेसेज हैं, जैसे कोनको है, सरा डेकेल है, बलांगरी है जिल्डेड इम्प्लीमेंट ऑफ लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, जो ये थे, ये जगह थी लोअर और अपर पैलियोलिथिक पीरियड की, और जो ये जगह है कोनालको, ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से एसोसिएटेड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्ट हम पढ़ेंगे, पराजधिक हैज ऑल्सो जुडेड इम्प्लीमेंट ऑफ मिडल पैलियोलिथिक पीरियड। तो ये जितने भी ये चीज़ें हैं आप सबको बस एक ही टर्म में याद रखना है, उतना डिटेल में आपसे पूछेंगे नहीं कि ये लोअर से रिलेटेड है या मिडिल है या लेटर है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये सब चीज़ें याद रखनी है, और ये याद रखना है कि ये पूरा पाषाण काल से एसोसिएटेड है, यानी कि इंग्लिश वाले इसको क्या याद करेंगे? पैलियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, यानी कि यहाँ पर क्या मिला होगा? जो पैलियोलिथिक वाले टूल होंगे, पत्थर से बने टूल होंगे, वो यहाँ पर मिले थे। फ्रॉम बैनू सागर इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, जैन स्टेटस बिलोंगिंग टू 7th century AD हैज़ बिन डिस्कवर्ड। ठीक है, जैन स्टेटस यानी कि जो अभी बुद्धिज्म मोनेस्ट्री हमने डिस्कस की ना, तो वैसे ही जैन स्टेटस भी यहाँ पर देखने को मिला 7वीं शताब्दी के दौरान। एक प्लेस है दूध पानी हजारीबाग जिले में, एक इंस्क्रिप्शन मिला 8th century में, हैज़ बीन ऑल्सो फाउंड। आर्कोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हैज यील्डेड एविडेंसेस ऑफ हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन इन द हिल रीजन ऑफ झारखंड। अभी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, झारखंड में प्रिमिटिव मैन की पेंटिंग जब मिली इसको, जो कि हजारीबाग जिले में है, तो प्रिमिटिव मैन का जो हैबिटेशन है वो भी देखने को मिला है। यहाँ पर यही बोला जा रहा है अगर वहाँ पर उन्होंने चित्र बनाए हैं तो उनका जाहिर सी बात है वो गुफा में रहते होंगे, चाहे वो
किसी से जानवर से बचने के लिए, चाहे बारिश से बचने के लिए, आग से बचने के लिए वो गुफा में गए और खाली वक्त में उन्होंने पेंटिंग बनाई, ऐसा माना जाता है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो आदि मानव थे, प्रिमिटिव मैन थे, वो झारखंड की जगह में जो छोटा नागपुर है, झारखंड है, कुखरा है, कोकर है, जिसको बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है, वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन था। तो इससे सिद्ध होता है, ये प्रूव होता है। डीप अंडरग्राउंड केव ऑफ आइस एज हैव बीन फाउंड इन इस्को विलेज। दूसरा, आइस एज के भी जो है प्रूफ देखने को मिले हैं। आइस एज किसे कहते हैं? आइस एज वो था जब जो अर्थ का टेम्परेचर था बहुत कम हुआ करता था, उसको आइस एज भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद एक ट्राइब के बारे में बात करेंगे। अटवी ट्राइब ऑफ झारखंड वॉज डिस्क्राइब इन द रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पर एक झारखंड की ट्राइब के बारे में डिस्कस किया गया है, जिस ट्राइब का नाम है अतवी ट्राइब। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अतवी ट्राइब चंद्रगुप्त मौर्य के जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, मतलब पत्थरों में कुछ लिखा होगा, उसमें झारखंड की एक ट्राइब है अतवी ट्राइब। तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है अतवी ट्राइब। और ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं, आप यूपीएससी में या एंशियंट हिस्ट्री का कोई भी पेपर दे रहे हैं उसमें भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद छोटा नागपुर हैज़ बीन मेंशन इन द रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लो आप कि अतवी ट्राइब उनके दौरान, उनके जब रेन चल रहा था उसमें मेंशन है। दूसरा, जब जो सम्राट अशोक हैं उनके भी रॉक इंस्क्रिप्शन में छोटा नागपुर झारखंड के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये सब हम प्री हिस्ट्री ख़त्म कर चुके हैं आज की वीडियो पार्ट में। पूरा कंप्लीट एक बार मैं आपको पूरा वो दिखा दूं, चीज़ें दिखा दूं। ये देखिए, कंप्लीट हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री हमने देखी, उसके बाद जो रैंडम फैक्ट हैं वो हमने पूरे कवर किए। जो ये रैंडम फैक्ट जिस बेसिस में, जिस सीक्वेंस में मैंने बताए हैं, उसी सीक्वेंस में आपको याद करने हैं। इसमें और कोई दो राय नहीं है कि हाँ इस रैंडम फैक्ट में कोई सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे प्री हिस्ट्री में मैंने बात की, उसमें सब चीज़ें बात कर रखी है कि EIC में इस जगह को क्या बोला जाता था, ऐतिहर्य ब्राह्मण ने क्या बोला था, महाभारत में इस पर्व में क्या बोला गया है। ठीक है, ये सब डिस्कस किया और बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमने डिस्कस की। और सबसे ज़्यादा मैं तीन डिस्ट्रिक्ट के बारे में फिर से बता दूं, हजारीबाग इसको, ठीक है, दूसरा गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, डायरेक्ट आपको बताता हूँ गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, अस्तदल विनोबा भाव की यूनिवर्सिटी में यूज़ किया गया है। ठीक है, और उसके बाद हंटिंग सिंस सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, ये सब डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, और लास्ट के जो ये दो चीज़ें हैं आपको ये चबा जानी है। ठीक है, अतवी ट्राइब झारखंड की और छोटा नागपुर मेंशन किया गया किंग अशोक का और चंद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन का। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये हमने पूरा इस वीडियो पार्ट में प्री हिस्ट्री कर ली है। अगली वीडियो पार्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगली वीडियो पार्ट जो है पार्ट नंबर 16 झारखंड का, उसमें कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री करेंगे, कुछ रैंडम फैक्ट नहीं, जनरली क्या करेंगे एक सीक्वेंस के बेसिस पे कि एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, स्टोन एज में क्या क्या मिला। ठीक है, छोटा नागपुर में कौन कौन सी ट्राइब रहा करती थी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री के बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। ये देखिए, चलिए एंशियंट हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री। एक तरह से मेरे कहने का एसेंस क्या है कि जो झारखंड की हिस्ट्री पूछी जाती है प्रीलिम्स में, मेंस में, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो मेडिवल हिस्ट्री झारखंड की, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो पार्ट में हम इतना ही करेंगे, अगली वीडियो पार्ट में एंशियंट हिस्ट्री के लिए स्टे ट्यून रहें। धन्यवाद।